इंदौर में तमाम संगठनों द्वारा शहर में सौहार्द और एकता बनाए रखने का काम किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसे बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत मंदिर के सामने पेशाब करने की घटना सामने आई है, जिस पर आपत्ति लेते हुए हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में अब इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तब से संगठनों और रहवासियों ने मार्केट बंद करने का फैसला लिया है। अगर ऐसे में कोई दुकान खोलता भी है तो उसे बंद करवा दिया जाता है। ना जाने कहां कहां के लोग यहां पर आके एमडी और गोगा जैसे नशे करते हैं पीछे बैठकर मंदिर पर। जब उन्हें रोका जाता है तो सीधे सीधे वो विवाद करने लगते हैं, और यहां के कुछ तथाकथित पुलिसकर्मी भी उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि हिंदू अगर शांति से बैठा है तो उसे उकसाने की कोशिश ना करें, नहीं तो हिंदू सक्षम है अपने धर्म स्थलों की सुरक्षा करने के लिए, और अपने भगवान आराध्य का अगर कोई अपमान करेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या बात है, हम सभी लोग यहाँ पर समग्र हिंदू समाज यहाँ पर आज एकत्रित हुआ है, वो हम सब लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, और जिन लोगों ने दुष्कर्म और दुस्साहस किया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। यहाँ पर पुलिस का कहना है कि रात को ही पूरे मामले में संज्ञान ले लिया गया था और कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल के बाहर बाथरूम करने का मामला सामने आया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, और जैसे ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी लगी, पुलिस ने पूरे मामले में दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे साथ डीसीपी मौजूद है, हम बात करते हैं सर, पूरा घटनाक्रम किस तरह से सामने आया और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये रात करीब 10 बजे जो है इसे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लड़के जो है वो किसी दीवार के पास शौचालय और पेशाब कर रहे थे, तो उनको किसी व्यक्ति ने वहां पर देखा जो कि बिल्कुल धार्मिक स्थल के पास में ही स्थान था, तो उनके द्वारा इस पर आपत्ति ली गई और इसकी सूचना थाने पर दी गई। जो फरियादी पक्ष है वो थाने पर आया, उनके द्वारा इस पर एफआईआर करवाई गई और इसमें फुटेजेस भी जो है वो मिले हैं और फुटेजेस का अवलोकन किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर क्या इंटेंशन था, कुछ पूछताछ में बताया जो इनको चिन्हित करा आरोपियों को, कुछ जानकारी आई सामने की धार्मिक स्थल के बाहर किस तरह से क्यों कृत्य किया है? नहीं, ये सभी इंटेंशन अभी ये पूछताछ अभी इसमें अग्रिम कार्रवाई किया जाना शेष है, और इसमें जो है अभी फुटेजेस का भी अवलोकन किया जा रहा है और सभी चीजों का इसमें इन्वेस्टिगेशन करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर बजरंग दल ने भी थाने का घेराव करा, अभी क्या मांग थी उनकी, क्या कार्रवाई चाह रहे थे? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या मांग थी, क्योंकि कार्रवाई तो कल रात को अविलंब ही कायमी हो गई थी, और इसमें जो भी आरोपी हैं एक नामजद हैं और दो अन्य साथी हैं, तो उनको भी जल्दी जल्दी उन पर ही कार्रवाई कर दी जाएगी। सर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नवरात्रि चल रहा है, कुछ शहर में जिस तरह से सौहार्द बिगाड़ने की भावना से इस तरह से कृत्य किया गया? नहीं, ऐसा कुछ प्रतीत हमें नहीं होता है। यदि हमारे साथ डीसीपी जिनका कहना है कि पूरे ही मामले में प्रारंभिक तौर पर कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, आने वाले दिनों में पूरे ही मामले में जो आरोपी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से टीवी 9 भारत पर, इसके लिए संदीप मिश्रा।